जो हालात बन गए इससे तो ये है कि बस गवर्नमेंट का सिक्का ही चलेगा अब, और अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तासुर यही है। आपका भी रीडिंग यही है आपकी, या ये बस कुछ दिन की बात है, कोई ऐसा मामला भी हो सकता है कि कई दफ़ा गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ता है? या देखिए, पाकिस्तानी सियासत जो है ना, वो भी एशियाई माशूक की तरह है, उसका मूड भी बदलते देर नहीं लगती। तो अगरचे इस वक्त आप ये कहेंगे कि हुकूमत मुस्तहकम हो गई है और जनरल आसिफ मुनीर के 5 साल जो है उनकी इत्तला मिलने से एक इस्तेहकाम आ गया है मुल्क में, तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है। अब अगर कल क्या होगा, अपोजिशन के साथ क्या गुजरेगी, अपोजिशन अगर तदबीर से काम ले और अपनी गलतियों का एहसास कर ले और अपना नक्शा नए सिरे से जमाए, तो उसके लिए गुंजाइश पैदा हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दंगा फसाद जो है उससे मसला हल नहीं होगा। अपोजिशन रिविजिट करे सारा कुछ, उसको चाहिए। देखिए ना, अगर आपका एक हिकमत अमली कामयाब ना हो तो फिर दूसरी हिकमत अमली का जायजा लेना चाहिए। सड़कों पर आने की जो हिकमत अमली अपनाई गई थी, फिर अदारों से टकराने की, तो उसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकला, रास्ता कुशादा नहीं हुआ। तो अब गौर करना चाहिए कि जो पार्लियामानी सियासत है उसके आदाब अपनाए जाएं और उसी में से रास्ता निकाला जाए। उसका जो आप फरमा रहे हैं वो तो फिर सारा कुछ ही रिविजिट होने वाला है अपोजिशन की हद तक, क्योंकि उनकी तो कुछ कोई ऐसा भी, जैसे खकान अब्बासी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे या हालात बड़े ख़राब थे, तो नवाज शरीफ साहब के 10 साथियों में से 9 कम्प्रोमाइज़ थे और एक कमज़ोर था। तो इधर भी आपको यही दास्तान समझ आ रही है या आपको लगता है कि? देखिए, जो सियासी वर्कर हैं और जो पार्टियों के लीडर होते हैं, वो कोई गुरीला कार्रवाइयों के लिए पार्टी में शामिल नहीं होते, वो तो इख्तदार के हसूल के लिए आते हैं ना। सियासी जमात बनती किस लिए है? भाई, इंतखाब लड़ेंगे, सियासी अमल में हिस्सा लेंगे, जीत गया तो इख्तदार तक पहुंचेंगे। तो अगर आप उनको समझें कि बस उनको सड़कों पे चला चला कर और उलझा उलझा कर और लड़ा लड़ा कर तो उनकी तवानाई ज़ाया कर देंगे, तो फिर बात तो नहीं बनेगी ना। अच्छा, जो मेजर स्टेक होल्डर जो अवाम हैं, जो पार्लियामान मुंतखब नुमाइंदे और उनके आपस में फासले, अब उसका फिर क्या किया जाए? और अवाम के लिए ये जितनी कानून साजियाँ हैं या जितनी तरामीम हैं या जितने बिल पास हो रहे हैं, आपकी दानिश में, आपके ख्याल में ये अवाम के लिए कितने बेहतर हैं? देखिए, हुकूमत अपने आप को पक्का करने की कोशिश कर रही है। जहाँ जहाँ से कोई खौफ महसूस होता है वहाँ वहाँ वो कर रही है, रखने जो हैं उनको दूर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई हमला ना हो जाए, जिस तरह पहले यूसुफ रज़ा गिलानी पर हुआ, जिस तरह नवाज शरीफ पर हुआ, और उस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अब उसको रास्ता जो है उसका रोका जा रहा है, उसको महदूद किया जा रहा है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि फ़ौज के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहें, और ये भी कोशिश हो रही, और फिर अपोजिशन जो है उसको भी पैगाम मिल जाए कि भाई हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं, तो आप जो भी करके देख लें। अब 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो पिटीशन आई, प्रोसीजर कमेटी जो थी उसने, जब उसमें मुनीब साहब शामिल थे और मंसूर अली शाह साहब शामिल थे, वही कमेटी जो याया साहब ने खुद बनाई, आज तो वो कमेटी रिविजिट हो गई ना, तो उसमें अमीनुद्दीन आ गए और मंसूर साहब रह गए। तो पिछली कमेटी ने जो कहा कि आप फुल कोर्ट बिठाइए और ये देखिए तरमीम, और जो पिटीशन आई हैं उन पर बात कीजिए, सुनिए, लेटर भी कुछ आए, लेकिन वो भी तो आप समझते हैं कि ये अब फिर आने वाले दिनों में भी ये यही चलेगा, इसी निज़ाम के तहत काम चलेगा, या आपको लगता है कि कोई चिंगारी इसमें से? देखिए, मेरा ख्याल जो 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, वो जो कमेटी है उसने से फिक्स नहीं किया, यानी एक फुल कोर्ट, यानी जो सारे जज मिलके बैठे और इजलास हुआ उसमें ये बात कही गई कि इसको फिक्स किया जाए। लेकिन जाहिर है कि एक 26वीं तरमीम जब मंजूर हो गई और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया आज,
तो पहले तो फैसला ये होना है ना कि वो पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जानी है या तमाम जजों ने उसे सुनना है। तो ये इस वक्त इतना आसान नहीं है कि आप फुल कोर्ट बैठा के बना के बैठ जाएं और समाज शुरू कर दें, उससे तो पेचीदगियाँ बढ़ेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे जैसे आप हमारे पास जो आईनी पूल बना है एक, उनमें से आप 5 रुकनी जज बैठा सकते हैं, वो 3 रुकनी बैठा सकते हैं, 7 रुकनी बैठ सकता है, तो 7 जजेस उनका ऊपर वाले जो 3 जूरिस्ट हैं, बहुत बड़े नाम हैं, जो 63A भी लिखते हैं, जो आपका मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के फैसले भी लिखते हैं, जो मखसूस नशस्तें भी लिखते हैं, जो मेन जूरिस्ट हैं जिसमें मंसूर अली शाह हैं, मुनीब हैं, या इवन, तो वो उनकी बजाय अब अमीनुद्दीन से ये मामला शुरू हो रहा है, तो जूरिस्ट का जो इम्पैक्ट होता है पूरी कौम पे फैसलों से, और ब्रेन होते हैं वो, तो आप ये नहीं समझते कि क्योंकि इनके बाकी मतलब ये जितने 7 लोग हैं इनकी कंट्रीब्यूशन उस लेवल का नहीं है जो मंसूर अली शाह का, मुनीब साहब का या साहब का है तो सीनियरिटी में भी, तो इसको कैसे आप? मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे जूरिस्ट हैं, मुश्तहिद कह लें उनको आप, लेकिन अब मालूम हुआ कि आपको मुश्तहिद की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल कानूनदान चाहिए। अगर आप दस्तूर को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि जो दस्तूर के लफ्ज़ जो हैं उनसे ऊपर उठकर, तो फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। आमियाना तरीके से अगर दस्तूर की इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाएगी, या फ़र्ज़ करें किसी की अप्रोच में वो डेप्थ नहीं है जो सीनियर मोस्ट में होती है, जो सीनियरिटी में, तो उसका फिर क्या करेंगे? देखें, जज सारे जज हैं और जज होने के एतबार से तो बराबर हैं। अब अगर जो मेजॉरिटी है उसने इससे इत्तफाक किया जुडिशल कमीशन की या अक्सरियत ने कि भाई ये हमें इन मामलात में नहीं उलझना, आईन को दोबारा नहीं लिखना, आईन के जो अल्फाज हैं उनके दायरे में रहना है, और जब सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हो तो फिर मेरा ख्याल है कि आईन के अल्फाज जो हैं उनको फोकियत देनी चाहिए, बजाय इसके आप आईन की रूह तलाश करें और फिर उसके मुताबिक फैसले सादर करें। पाकिस्तान में जो हमारे बहुत अच्छे फकीह थे, जस्टिस मुरीद जो थे बहुत काबिल थे, बड़े अच्छे वकील थे, कानूनदान थे, लेकिन काम क्या किया उन्होंने? काम तो ये किया कि गुलाम मोहम्मद के साथ खड़े हो गए और असम्बली जो है मौलवी तवीजुद्दीन केस, तो वो मौलवी तवीजुद्दीन केस, हाँ, उसके बाद फिर नजरिया ज़रूरत वहीं से 200 केस में फिर अयूफा के साथ खड़े हो गए। तो ये जो बहुत ज़्यादा जहीन लोग होते हैं ना, वो हर वक्त इनकी ज़रूरत नहीं होती आपको। बहुत अच्छा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की तोहीन है, जमहूरियत और वोट को इज़्ज़त देने के अलमबरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आज एक ऐसा एक्ट पास कर रही है जो अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर काले मलने के मुतरादिफ है। देखिए, मौलाना की बात दुरुस्त है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, और ये जो कानून है इसे मिसयूज नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें जो हैं वो कवानीन को मिसयूज बहुत करती हैं। अब ये बताइए, वो हमारी जो ईमान मदारी हैं अपने शौहर के साथ जा रही थी, पुलिस इलाके पर झगड़ा हुआ, दहशत गर्दी की दफा लगा दी गई। तो अगर इस तरह का वगरना इससे कतः नज़र आप दहशत गर्दी नहीं हो रही मुल्क में, लोग दिन रात जो हैं वो उनका खून नहीं बह रहा, हमारी फोर्सेस जो हैं उनके जवान शहीद नहीं हो रहे, हमारे आम शहरी, हमारे बच्चे, हमारी तालबात, हमारे नमाजी, हमारे आम शहरी उनको मारा नहीं जा रहा, पुलिस के लोग उनको मारा नहीं जा रहा। तो ऐसी सूरत में कितने लोगों को सजाएं मिली हैं, कितने लोगों के मुकदमात हमारी अदालतों ने फैसला किए हैं, ये भी तो देखना चाहिए ना। ये जो अदालतें हैं या सिविल अदालतें हैं, ये इन्होंने क्यों नहीं ये काम किया? अब बरतानिया में आप देख लीजिए, वो उन्होंने रात को अदालतें लगा के फैसला किया। तो इसका मतलब ये नहीं है, जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आप फैसले ही ना करें, आप जो मुजरम हैं और उनके साथ हुस्न सलूक करें, जो लोग अपने सारे आपके दस्तूरी निज़ाम को तह बाला कर रहे हैं उनको आप उनके साथ खड़े हो। अच्छा, सर ये अक्सर लोग बाहर भी बात करते हैं, चौक चौराहों में भी, हर जगह, कि ये वुकला बहाली तहरीक चल गई थी यहाँ और चिंगारी जो है वो कैनवस पे फैल गई और बात हाथ से निकल गई और फिर रिस्टोर हुए जैसा, हाँ, और मुजाहमत का इस्तारा बन गए।
अब ऐसा कुछ भी नहीं, इसकी वजह क्या देखते हैं? अब ये कि जज तो आजाद हो गए, अदलिया आजाद नहीं हुई और जजों ने दीना हराम कर दिया। ठीक है, यहाँ जो जज थे वो डैम बना रहे थे, जज थे लोगों की बेइज्जती कर रहे थे, अस्पतालों में जाके डॉक्टरों को उनका तबादला कर रहे थे। जज जो थे क्या कुछ कर रहे थे, जो अपना काम नहीं कर रहे थे दूसरों का काम कर रहे थे। होना तो चाहिए था ना कि इंसाफ जो है लोगों को फराम होता और कानून जो है उसमें उसको नाफिज किया जाता और लोगों के मुकदमात फैसला होते, ऐसा तो कुछ